हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पपीते का स्मृति चित्रण करना। देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। पहले तो हमने पेपर पर एक सीधी रेखा खींच रखी है। अब देखिए, सबसे पहले एक छोटा वृत्त खींचते हैं। इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग कर लेते हैं। अब दूसरा वृत्त खींचते हैं, लेकिन ये बड़ा रखेंगे। प्रकार को हम थोड़ा और फैला लेते हैं। इस प्रकार यह वाला वृत्त जो बनेगा पहले वाले की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार दो वृत्त बन गए हैं। अब देखिए मैं इनको कैसे पपीते के रूप में बदल रहा हूं। सबसे पहला काम करेंगे, इस वृत्त से इस वृत्त को हम जोड़ रहे हैं एक हल्का नीचे की ओर झुकी हुई रेखा द्वारा। ये रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी हुई है, और ऐसे देखिए जोड़ देते हैं। वही काम इस तरफ कर लेते हैं। आगे की ओर देखिए, यहां पर कैसे पपीते की नोक बना रहे हैं। ये देखिए, ऐसे नुकीलापन होता है। ऊपर की ओर देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ऐसे बना लेते हैं, यहां पर ऐसे कर देते हैं। अब देखिए पपीते का डंठल कैसे बना रहे हैं हम। ये देखिए, जितनी भी अंदर की रेखाएं हैं इनको हम इरेज कर देते हैं। ऐसे ही बीच की रेखा को भी साफ कर देते हैं। अब किनारे की रेखाओं को हम गाढ़ा करेंगे। इस प्रकार बच्चों, पपीता हमारा देखिए गाढ़ा हो चुका है। और चूंकि अब बिल्कुल गोल नहीं होता, इसमें भी धारियां दिखाई देती हैं, तो इसमें धारियां बना रहे हैं हम। देखिए कैसे, पहली वाली धारी तो बनाएंगे हम इस रेखा के समांतर। जैसे जैसे वो टेढ़ी है देखिए, वैसे वैसे इसको भी हम टेढ़ी करते जा रहे हैं। यहाँ पपीता चौड़ा है, तो यहाँ पर धारी के बीच का गैप भी देखिए हमने ज्यादा कर दिया है। फिर इस रेखा को ले जाकर नीचे की ओर खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर से इस रेखा के समांतर बनाएंगे। ये देखिए, यहां पर मिलनी चाहिए, ऐसे लाकर मिला देते हैं, और ये जहां पर गलत हो गई थी वहां पर इरेज कर देते हैं। इस प्रकार देखिए पपीते के अंदर धारियां बनकर तैयार हो गई हैं। इनको भी थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा पपीता डंठल के उस पार भी नजर आ रहा है, ऐसे इसको बना देते हैं। अब इसमें भी छाया प्रकाश देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग। किनारे की ओर पेंसिल की नोक करेंगे और थोड़ा दबा कर पेंसिल को चलाएंगे ताकि किनारे की तरफ ज्यादा काला दिखाई देने लगे, क्योंकि गोल वस्तु में जब प्रकाश पड़ता है तो किनारे की ओर थोड़ा ज्यादा काला दिखता है, तो वहां पर छाया ज्यादा पड़ती है और बीच की ओर प्रकाश ज्यादा पड़ता है, तो किनारे की ओर देखिए हम ज्यादा काला कर रहे हैं। जैसे जैसे बीच की ओर आ रहे हैं कालापन थोड़ा सा कम करते जाएंगे। अब देखिए पेंसिल पर हमने दबाव कुछ कम कर दिया है। यहाँ पर लग तो रही है किंतु बहुत ही हल्की लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ भी काला करते हैं, ऐसे नीचे की ओर ज्यादा काला कर देते हैं, बीच की ओर कम काला रखते हैं। ऐसे ही डंठल में भी छाया प्रकाश दर्शाते हैं। किनारे की ओर देखिए थोड़ा काला ज्यादा, बीच की ओर कम काला। ऐसे ही इस किनारे की ओर ज्यादा काला, बीच की ओर कम काला। ये देखिए, यहां पर जो पपीते का उधर वाला हिस्सा दिख रहा है
इसको भी थोड़ा सा हम ज़्यादा काला कर देते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, पपीते का स्मृति चित्रण कंप्लीट हो रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगले चित्र का वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।